Hi friend, my name is Vikas Chakravarti. In this session, I am going to tell you debenture issued and redemption related problem. Okay. अब हम एक question के साथ आते हैं, जो भी एक CBSE के आए हुए question में से एक है कि debenture issued होती है और redemption के समय पे कंपनियां क्या identity करती हैं। तो आइए देखते हैं एक question पढ़ते हैं। Question क्या है? Pass and say general entity for the issue of 7% debenture in the following cases. ठीक है, पहला केस क्या दे रहा है कंपनी, 200 डिवेंचर ऑफ बिस 150 ईच इशूड एट ए 10% प्रीमियम रिड्यूएबल एट रुपीज 200 ईच, यानी डिवेंचर इशूड एट पार पे है और रिड्यूएबल किस पे हो रही है, एट प्रीमियम पे। कैसे मालूम, क्योंकि कंपनी डिवेंचर इशू किया था 150 रुपीज में और रिडीम किस पे कर रही है 200 रुपीज में ईच पे, यानी 50 रुपीज एक्स्ट्रा पे कर रही है, तो यहाँ पे क्या हो गया, प्रीमियम हो गया। तो कंपनी, और फिर नेक्स्ट कंडीशन क्या करी है, बी कंडीशन क्या, केस क्या है, 200 डिवेंचर ऑफ विच 200 ईच इशूड एट ए डिस्काउंट 10% रिडीमेबल एट पार, या डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट पे है और रिडीमेबल एट पार पे। तो अब कंपनी अपने यहाँ पे जो एंट्री करती है, वो पहली एंट्री क्या करेगी, जब कंपनी डिवेंचर इशू किया तो जनरल एंट्री क्या होगी कंपनी के यहाँ पे, तो फर्स्ट एंट्री क्या आएगी, वहां पे फर्स्ट एंट्री आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, यानी डिवेंचर कंपनी ने इशू करी है और कंपनी जब डिवेंचर इशू करी है तो आपकी कंडीशन में डिवेंचर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कंपनी क्या करी कि 200 डिवेंचर है जो 150 रुपीस ईच का है, इशूड किस पे किया, 10% डिस्काउंट पे, यानी कंपनी का अगर डिवेंचर था 200 और कंपनी कह रही कि 150 का था एक डिवेंचर, इसका 10% का आप निकालते हो तो कितना आता है, 15 रुपीज। ठीक है, कंपनी क्या कर रही है, इशूड कही है, सॉरी 10% प्रीमियम पे है, तो 150 का जो अगर 10% निकालते हैं तो कितना आता है, 15 रुपीज, यानी कंपनी कितने में कर रही है, इसको दोनों का ऐड कर दिया जाए तो ये अमाउंट कितनी आएगी, 165। तो 200 × 165, यानी कंपनी ने जो डिवेंचर इशूड किया हुआ है किस पे किया है, प्रीमियम पे, रिडीमेबल भी किससे कर रही है, प्रीमियम पे। तो यहाँ पे 200 × 65 तो कितना आ जाएगा, 33,000। तो फर्स्ट एंट्री क्या जाएगा, बैंक ऑन डेबिट डिवेंचर एप्लीकेशन में कितने से, 33,000 डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम रिडीमेबल एट प्रीमियम में। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री, तो रिडीमेबल क्या होगा, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। ठीक है, अब कंपनी ने एप्लीकेशन तो रिसीव कर ली, अब कंपनी कह रही है कि डिवेंचर इशूड भी हुआ था प्रीमियम पे और रिड्यूएबल भी क्या कर रही है, प्रीमियम पे। तो नेक्स्ट एंट्री क्या आएगा, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कंपनी इशू तो की थी प्रीमियम पे और रिडीम भी करी प्रीमियम पे, तो कंपनी के लिए क्या हो गई, लॉस हो गई। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, यहां पे लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू, कितना परसेंट डिवेंचर है कंपनी के पास से, डिवेंचर कितने परसेंट डिवेंचर है, 7%। तो टू सेवन परसेंट डिवेंचर। ठीक है, अकाउंट, अब कंपनी ने प्रीमियम पे इशू किया है तो जनरेट नेक्स्ट क्या होगा कि टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब रिडीम किस पे कर रही है, प्रीमियम पे, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। अब देखिए यहां पर अमाउंट कैसे आएगा, एप्लीकेशन में वही 33,000, डिवेंचर में हमेशा किससे आएगी, फेस वैल्यू से, यानी से कितने से, 200 × 150, कितने से आएगा, 30,000। ठीक है, अब कंपनी ने प्रीमियम में कितना किया था,
प्रीमियम कितना थी 15 रुपीज के, यानी 200 इंटू प्रीमियम में कितने से आएगा, यहाँ पे कितने से आएगी 3000, यानी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में कितने से आएगा 3000, और कंपनी एक्स्ट्रा कितना कर रही है, कंपनी जो जो इसको रिडीम कर रही है कितने पे 200 रुपीज में, यानी कितने रुपए एक्स्ट्रा पे कर रही है 50 रुपीज पे, यानी प्रीमियम पे कितना आएगा प्रीमियम और रिडेम्पशन में 150 रुपीज में किया हुआ था, और कंपनी उसे कितने में रिडीम कर रही है उसको 200 में, यानी कितने एक्स्ट्रा पे कर रही है, यानी 200 इंटू 50 करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 10,000, ये किसमें आएगा प्रीमियम ऑन रिडम्स ऑन डिवेंचर में, तो कंपनी का और तो लॉस भी कितने का हो गया कंपनी के लिए 10,000 रुपीज, तो लाइसेंस क्या हो गई बीइंग डिवेंचर इशूड, डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम, प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम, एंड डिवेंचर कंपनी डिवेंचर इशू भी क्या हुआ था एट प्रीमियम पे, और रिडीमेबल भी किससे कर रही है एट प्रीमियम पे, ये तो था एक कंडीशन की कंपनी 200 डिवेंचर को इशू कर रही थी प्रीमियम पे 10% प्रीमियम पे, और रिडीमेबल भी कितने भी किया 200 रुपीज पे, यानी 50 रुपीज प्रीमियम पे की। अब बी कंडीशन में क्या कर रही है कंपनी 200 डिवेंचर ऑफ 200 ईच इशूड एट ए डिस्काउंट 10% रिडीमेबल एट ए पार, या डिवेंचर इशूड हो रही है किस पे डिस्काउंट पे, और रिडीमेबल किस पे कर रही है एट पार पे, तो कंपनी के आपको जो फर्स्ट एंट्री आएगी तो उस एंट्री तो यही होगी बैंक ऑन डेबिट डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, लेकिन अमाउंट चेंज हो जाएगा, तो अमाउंट जो चेंज हो जाएगी तो अब देखिए सेकेंड एंट्री तो में भी चेंजिंग आएगी, कंपनी के पास तो टोटल नंबर ऑफ डिवेंचर कितने हैं 200 है, और कंपनी कितने परसेंट डिस्काउंट पे कर रही है 10% डिस्काउंट पे, और 200 का 200 निकाल के तो 200 डिवेंचर है और कितने का है एट द रेट ऑफ रुपीज 200 ईच का है, और कंपनी कर रही है 10% डिस्काउंट पे, तो लेस इसका 10% निकालने तो कितना आएगा 200 का 10% निकाल तो कितना आ जाएगा यहां पे 20 रुपीज, यानी कंपनी के यहाँ पे 20 रुपीज कम पे करी, यानी कितने पे करी है 180 पे, यानी 200 × 180 कितना आ गया यहाँ पे 36,000, यानी फर्स्ट एंट्री में क्या आएगा बैंक ऑन डेबिट डिवेंचर एप्लीकेशन में कितने से आई 36,000। अब कंपनी डिवेंचर इशू तो किया था डिस्काउंट पे, तो नेक्स्ट एंट्री क्या जाएगी डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, डिवेंचर अकाउंट डेबिट, अब डिस्काउंट तो आ गया और रिडीम किस पे कर रही है एट पार पे, तो 27% डिवेंचर, 27% डिवेंचर, डिवेंचर अकाउंट। अब देखिए यहां पे कितनी आएगी, जितने से वहां क्रेडिट था इतने से यहां पे डेबिट 36,000, डिवेंचर कितने का था डिवेंचर थी कितने की 200 डिवेंचर था नंबर ऑफ डिवेंचर, और एक डिवेंचर प्राइस कितने की थी 200, यानी डिवेंचर में हमेशा फेस वैल्यू आएगी, तो कितने से आ गए यहाँ पे 40,000, और डिस्काउंट में कितना आ गया 4,000। नेसल क्या हो गई बीइंग डिवेंचर इशूड एट, बीइंग डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट, डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट, रिडीमेबल एट पार, इस टाइप से कंपनी के यहां पे जनरल एंट्रियां हुई। ठीक है, फिर से बात देख लेते हैं कंपनी में क्या था डिवेंचर इशू एट डिस्काउंट पे था, रिडीमेबल एट पार पे था, तो डिवेंचर इशू एट डिस्काउंट पे हो रही, जितना डिस्काउंट पे होता है डिस्काउंट के अमाउंट माइनस करके, और उसके बाद एट पार पे कर, और उसका एट पार पे हुआ तो डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू डिवेंचर अकाउंट डेबिट 27% डिवेंचर। ओके, अब इसके बाद ये और भी इससे रिलेटेड और भी प्रॉब्लम आएंगे जो सीबीएसई में आए हुए क्वेश्चनों में से रहेंगे। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में सेंड कीजिए। ओके, थैंक यू।